अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ेका और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मेकिंग उत्तपम इन आर कैंपर वैन का कैंपेन विद फैमिली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है, लगा दिया है ना? ओके गाइस तो वीडियो का टाइटल है मेकिंग उत्तपम इन आर कैंपर वैन कार कैंपिंग विद फैमिली। से स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं प्रॉपर 5 स्टार कैंपिंग मोड। खुलने के बाद हमारा किचन कुछ ऐसा लगता है। अब ये मत बोलना पहला तो खराब होता ही है। खुशबू आ गई आपके राजमा चावल की यहाँ तक। देखो, मैंने इनके कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रखी है। तो भैया अब बारी है बर्तन धोने की। 10 साल से झेल रहा हूँ इसे मैं, 10 साल। कितना खुशी खुशी हमारा स्वागत कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो। हमारे कपिल भाई ने सीधे कैमरा खोल दिया है, बस। बिल्कुल, तो वही तो नेचुरल रिएक्शन होता है नोटिस करने का, बनावटी नहीं होता उसमें कुछ। बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह लेके आए, लगा दी नीचे। गाइस, यहाँ से पूरे रास्ते टच नहीं हुई, यहाँ पर आके इतनी तेज टच हुई ना, आपको आवाज आई होगी। इनको तो आप जानते होंगे, परिचय की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हिमाचली कपल, अल्टो में इन्होंने ऐसे ऐसे एडवेंचर कर दिए। भाई साहब, इनका चैनल देखना आप जाके, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, इनका छोटा सा और कितना सुंदर सेटअप है यहाँ पर। और भाभी, क्या बना रहे हो आज? राजमा चावल। क्या बात है जी। और इस गाड़ी ने भैया तूफान मचा के रख रखा है। देखते होंगे कह रहा आप लोग वीडियो इनके। बहुत सही, बहुत सही। असली जो कैंपिंग की लोकेशन है ना, आपने ढूंढी है या, वो तो है। तो दोस्तों, कैसी लगी जगह? ये तो अभी शुरुआत है। आगे जो ये वैली बता रहे हैं, जय वैली, वो तो भाई साहब कह रहे हैं जन्नत है, मतलब स्वर्ग है एकदम। तो फटाफट यहाँ पे हमारा लंच बनाते हैं और उसके बाद यहीं पे ब्लॉग को एंड करेंगे। इसके आगे का ब्लॉग आपको दूसरा देखने को मिलेगा, एक स्पेशल ब्लॉग, जो कि कल मैंने आपको बताया था। तो क्या बनाने वाले हो? अभी हम बनाएंगे हल्का, ठीक है, हल्का बनाते हैं। हम बनाते हैं उत्तपम चाट। और ये देखो, ये आते खुरापातियों में लग गया और खेलने लग गया, इसको देखो। चले जी, चलिए। और ये खुल गया अब चिक्की जी का किचन। कुछ नहीं गिरा आज, कुछ नहीं गिरा आज, रिकॉर्ड टूट गया गाइस। तो चलिए जी, फटाफट किचन खोलते हैं और बनाते हैं उत्तपम चाट। कैसी होती है भैया, अपने को नहीं पता, देखते जाइए। तो देखिये दोस्तों, खुलने के बाद हमारा किचन कुछ ऐसा लगता है। इसके अंदर छाछ, मतलब बटर मिल्क है। ये हमारा ऑयल की शीशी हो गई, हम शीशी के अंदर ही रखते हैं। हमने हर तरह का जार यूज करके देख लिया, निकल ही जाता है। इसके अंदर एकदम सील पैक रह जाता है। और ये देखिए जी, हमारा पिटारा, इसमें हम सारे बर्तन रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको नॉलेज में डाल दें, ताकि आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट ना रहे। और इसमें हम सारे मसाले रखते हैं, और इनको तो आप जानते ही हो, द शेफ। तो उत्तपम के लिए जो सबसे पहला काम है वो क्या है? सूजी को घोलना। और कैसे घोलेंगे वो भी आपको हमारी मैडम बता देगी। of my appetite. Don't leave me in high and dry. Baby, you get me identified. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel that I. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. हो चाहे डोसा हो चाहे इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, होटल से पैक करा के ले आओ खाना। मतलब देखो, मैं उनकी भी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, मैं उन्हें गलत नहीं बोलता हूँ, ऐसा शौक होता है जिसको होता है। लेकिन भैया जो करता है ना एक बार, उसको पता होता है क्या चीज है। ये बहुत ही अच्छा बना है गाइस, सच में बहुत अच्छा बना है। खाने को लेकर तो अभी तक हमारा एक बार भी खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा, जैसा कि आपने देखा हो, कुछ तो आपको देखने से भी पता चले जाता है। और एक तरह से एक परिवार बन जाता हम लोगों का जो ग्रुप बना ना, मतलब आज के 6 महीने पहले तक कोई किसी को नहीं जानता था, धीरे धीरे मिलता जाता है, कारवा बढ़ता जाता है, वो वाली कहावत है ना, तो वही चीज यहाँ पर है। और आज देखिए साथ में बैठ के खा रहे हैं। लो जी, अब राजमा चावल का भोग लग रहा है, जिसे भाभी ने और दीपक भाई ने मिलके करा है या अकेलों ने तैयार करा है? हाँ फिर ठीक है, देखो क्रेडिट देना अलग चीज होती है। ये भाई झूठ है, चावल तो मैंने रखे थे, चावल मैंने बनाए। अच्छा चलिए जी, भैया और भाभी के हाथ का दोनों का प्यार दिख रहा है इसके अंदर, और सच बता रहा हूँ मजा आ रहा है ऐसी वादियों में बर्फ के पहाड़ को देखते हुए राजमा चावल खाने का। अगर दीपक भाई फोर्स नहीं करते ना, बोलते नहीं ना कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो जगह, इन्होंने एक वीडियो बना के भेजा था, उस वीडियो के बाद मेरा मन कर रहा, मेरा यार चलते हैं यार, जो होगा देखी जाएगी। तो भैया अब बारी है बर्तन धोने की। देखिये सब काम जरूरी होते हैं, जैसे घर पे करते हैं वैसे यहाँ पे करते हैं, जब घर ही हमारा यहाँ पर उठा के लेकर आ गए। और इसी के साथ साथ ये गर्मा गर्म टोमेटो सूप देखिए, थोड़ा चेरी के लिए बनाया था तो मैंने बोला ज्यादा बना देना यार, मुझे बहुत पसंद है। हाय 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 हाय, भगवान भला करेगा चिक्की तेरा। तो गाइस होप करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। भाई मजा आ गया चिक्की, सच बता रहा हूँ, एक राज भाई की कमी रह गई, वो होते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। देखो फैमिली फैमिली होती है, एक अटैचमेंट बन जाता है। शिवाय बोल रहा था कि मैं भी बोलूंगा, थोड़े दिन बाद यही ब्लॉगिंग करेगा, देख लेना। सब्सक्राइब जरूर मान लेना, आप वीडियो को देखते भी हो, पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। भाई के चैनल को और चिक्की मैडम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं जय वैली के लिए, जे या जय मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, JAI, अब आप खुद कर लेना आपके हिसाब से। कह रहे भाई सबसे खूबसूरत जगह है, बहुत ही कम यूट्यूबर्स वहां तक पहुंच पाए अभी तक, या मतलब बहुत ही कम यूट्यूबर ने ऐसा कह सकते हैं एक्सप्लोर की है। आज की कैंपिंग भाई स्पेशल होने वाली है, क्यों? बने रहिए हमारे साथ में, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले खूबसूरत सफर पर, धन्यवाद। आने दो, हमारा शिवाय बोल रहा है सागर भाई को आने दो, बोले आवाज आ जाएगी तो पता चल जाएगा। और हमेशा की तरह देख लीजिए, हमने सारा कचरा हमने जो फैलाया था वो इसमें डाल दिया है। और वैसे हमसे पहले जो लोग बाग आए हुए थे, देखो उन्होंने क्या हालत कर रखी है। भाई ऐसा ना करा करें। और भी मुझे दूर दूर तक देखिए वो बोटल्स वगैरह दिख रही है प्लास्टिक की, बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। अपना कचरा अपने साथ लेके जाइए, आगे डस्टबिन मिलते हैं आप उसमें फेंक सकते हैं। मैं कहूँगा मैंने अपनी लाइफ में ऐसा व्लॉग यकीन करें नहीं देखा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ है मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा। वाकई इन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे आके पकाने का जो एक आनंद है ना, वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। वाकई होटलिंग तो कोई भी कर सकता है, पैक करवा के तो कोई भी ला सकता है। इस फ़ज़ा में, इस माहौल में खड़े होकर कुकिंग करना और अपना मनपसंद खाना बना कर खाना, जैसे कि आपने देखा सूप उनको पीना था तो उन्होंने सूप भी बनवा लिया। इसी तरह राजमा चावल वहाँ पे खाए गए। मैं तो हैरान हूँ, पहाड़ों के बीच में ऐसा खाना, मतलब मैं कहूँगी ये वाकई स्वर्ग से कम नहीं लग रहा होगा ये प्लेस इनको। और वाकई सच दिल से कह रही हूँ, तहे दिल से कह रही हूँ, मैंने ऐसा ब्लॉग पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही अमेजिंग लगा, बहुत अनबिलीवेबल लगा कि ऐसा भी हो सकता है। स्पेशली वो कार का जो एक उसके अंदर पूरा किचन जो फिट हुआ हुआ था, हत्ता कि गैस पाइप तक था उसमें। कैसे, क्या, कहाँ से इतना स्मार्ट, इतना ज़्यादा एडवांस किचन मैंने कभी नहीं देखा। इतनी चीज़ें या इतनी सहूलियात तो हमें अपने किचन में भी नहीं मिलती हैं। मसाला जात सारे डब्बे रखे हुए, कुकिंग ऑयल मौजूद था, चूल्हा मौजूद था। अच्छा बाकायदा कटिंग करने के लिए भी जगह थी, और जैसे कि आँच लगे कोई भी चीज़ पकने में, उसमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसको कवर करने के लिए भी उन्होंने, जिसके ऊपर लिखा हुआ था खाओ पियो और मज़े करो, तो वो भी उन्होंने लगाया हुआ। हर तरीके से उसको बिल्कुल अपने लिहाज से, अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, हम जब चाहें जो चाहें खा सकें और बना सकें। मुझे हैरत हो रही है कि इतनी लाइफ गुजर गई, मैंने गाड़ी के अंदर किचन नहीं देखा। व्लॉगर्स बहुत हैं, व्लॉग को छोड़ भी दें, हम वैसे ही टूरिज़म के लोग शौकीन होते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन ये कि अपना खाना बनाना। अच्छा, सबसे बड़ा मसला क्या होता है व्लॉगर्स के साथ या जो एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को, शहरों को, तो उनके मामला हो जाता है पेट ख़राब, उनके साथ गड़बड़ हो जाती है। क्यों? हर इलाके का माहौल अलग होता है, हर इलाके के फूड्स अलग होते हैं, हर इलाके की टेंशन अलग होती है। एक हमारे कराची के यूट्यूबर हैं, वो इसी तरह व्लॉग बनाते थे, तो वो भी बाकायदा मिट्टी गए, सर गए, सिंध गए। 1-1.5 महीने से वो बीमार पड़ गए। 1-1.5 महीना इतना ख़तरनाक, और उन्हें ये इतना प्रॉब्लम हुई कि उनको डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप लेट हो जाते हम आपको एडमिट करते। अच्छा, बुखार, टाइफाइड बुखार उनको इतना ख़तरनाक हुआ, वो समझ रहे हैं उसके घर वाले कि शायद आउटडोर उल्टी सीधी चीज़ें खाने की वजह से, होटल वाले बिल्कुल हमारे यहाँ पे गंदी चीज़ों से चीज़ें बनाते हैं। और अगर आप इंटीरियर की तरफ चले जाएँ, देहात की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको तो यूँ समझ लो कचरा खाने को मिलता है। लेकिन क्यों खाता है इंसान? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, मजबूरी होती है। तो ये वाली चीज़ जो है, मैंने यकीन करो मैंने कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। इतनी वीडियो, इतने व्लॉग, इतनी चीज़ें, इतना सालों। अच्छा, वहाँ पे भी मुझे लगता है ये चीज़ आम नहीं है। वो इस तरीके से हमें इस बात का सबूत मिलता है। आपको याद होगा हमने एक व्लॉगर को देखा था जिनकी तबीयत रात में ख़राब हो गई थी, याद है आपको? वो कैंप पे जाके सो गए थे और बाकायदा इन लोगों का टिक्का पार्टी वगैरह का भी मूड था, और उन्होंने पार्टी कैंसिल करी, और हद तक उन्होंने बड़ी मुश्किल से चाय बनाई। वहाँ पर गैस भी नहीं थी और मसले मसाइल थे। तो जब उन्होंने चाय बनाई, वो 2 सिप लेने के बाद कह रहे मुझे चाय भी नहीं अच्छी लग रही, सर्दी भी काफ़ी थी और बिल्कुल ख़राब, और बोल रहे खाना भी बिल्कुल अधगला खाना बना बड़ी मुश्किल से। वहाँ पे चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे गैस नहीं थी, वहाँ पे पकाने के लिए बर्तन अवेल नहीं थे। तो ये वाला जो सेटअप है कि भाई मसाले भी हैं, गैस भी है, बर्तन भी है, चूल्हा भी है, सब्जियाँ भी हैं, दालें भी हैं, सूजी भी है, मतलब सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक कार में मिल रहा है। तो वाकई आपका विजिट, आपका जो एक टूर है, उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। आप जो चाहो पकाओ और खाओ, और साफ सुथरा, मतलब सबसे जो ऑयल आप घर में खाते हो, जो बस सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, फिर अपने हाथ से बनाना, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, दूसरे कपल हैं, अपने हाथ से एक दूसरे की। अच्छा, इस माहौल में मतलब आप जन्नत जैसी जगह पे खड़े होकर खाना बना के फिर उसको खाएँ, मैं कहूँगा यही तो इन्जॉयमेंट है, मतलब यही ज़िंदगी, ऐसा लगता है। यानी कि बाकी तो क्या है, बाकी तो इंसान ने यूँ समझ लो 4 दीवारी में मर जाना है, 4 दीवारी में सुबह उठना है, रात को सोना है, सुबह उठना है, पूरा दिन गुजारना है। अगर ये नहीं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है तो ज़िंदगी नहीं है। मतलब इतना अच्छा लग रहा तुमको, बर्तन भी धोए, कचरा भी अपना उठाकर साथ लेकर गए, मतलब गंदगी नहीं करी, वहाँ पे खड़े हुए, वहाँ पकाया, वहाँ स्टे करा। लेकिन मैं वाकई अप्रिशिएट करना चाहूँगी, मैं वाकई बोलूँगी ये होते हैं एजुकेटेड लोग, ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, कि एक एक कचरा अपना समेट कर लेकर चले गए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, अगर ये इनकी वाइफ नहीं तो उन्होंने बोला इनका चैनल अलग से, चिक्की के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वो हुई कि क्या उन्होंने खाने की वीडियो बनाई। असल में मैंने ये नोट किया है कि एक चैनल जब किसी का बन जाता है, एक तरफ एक कुछ ऑडियंस, 1-2 लाख ऑडियंस जुड़ जाती है, तो फिर वो ऑडियंस उनसे इतना जुड़ी रहती है कि वो कुछ भी करें, वो कोई भी। और अक्सर मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, मियाँ बीवी हैं, फिर वाइफ ने अलग किचन का चैनल बना लिया जिसमें वो खाना बनाना बना रही है, हफ्ते के अंदर अंदर उस चैनल को मोनेटाइज होते हुए देखा मैंने। एक चैनल है पंजाब का, मियाँ बीवी का, फिर उसने वाइफ ने पूरा सामान लाई, 1-1.5 लाख का पूरा किचन बनाया, फिर वो खाना बनाना कर रही है उसके अंदर, हफ्ते 10 दिनों के अंदर अंदर चैनल मोनेटाइज। तो ये चीज़ें मतलब लोग करते हैं कि एक चैनल के बाद दूसरा, दूसरे चैनल के बाद तीसरा, एक दफ़ा ऑडियंस जुड़ जाती है तो फिर वो चैनल। अच्छा, दूसरों का अलग अपना चैनल, जो हिमाचल प्रदेश कपल के नाम से इनकी वाइफ का अपना चैनल है, तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक साथ ही तो घूम रहे हैं, एक साथ ही घूम रहे हैं, रिकॉर्ड एक साथ कर रहे हैं, कुछ हिस्सा यहाँ डाल दिया, जैसे उन्होंने कहा कि हम देते तो हैं लेकिन सेम सेम चीज़ तो नहीं दिखा सकते, तो मैं अपनी वीडियो में ऐड ऑन नहीं करता, लेकिन हमेशा पूछता हूँ, हमेशा देता हूँ आप लोग। ये तो वैसे भी अखलाकियात के भी खिलाफ है, इंसानियत की एक उसके भी खिलाफ है, इंसानियत की तबीयत के भी खिलाफ होता है कि यार बहुत बैड मैनर्स लगते हैं कि आप खा रहे हो, सामने वाले को नहीं पूछ रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, पूछते तो होंगे, लेकिन मैं हैरान हूँ लोग उनको कमेंट करके, अरे नहीं यार आप गलत करके विचार करो। अच्छा, ये चीज़ बड़ी यूनिक लगी मुझे कि ये मेरा पहाड़ी बच्चा है, यानी कि इतना हमने ब्लॉग बनाया है और इतना हमने सफ़र कराया है पहाड़ों में, और इतना हमने कैंपिंग किया है कि ये मतलब तो शुरू से मतलब पहाड़ों में ही खेला है और कूदा है, और कह रहे हैं कि हम थोड़े आधे पहाड़ी हैं, ये पूरा पहाड़ी है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी, मतलब बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था। जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम इनके ब्लॉग, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले नहीं देखा इनको, तो बहुत यूनिक स्टाइल, एक तो थीम भी बड़ा यूनिक था, ये बात करने का स्टाइल बड़ा यूनिक था, बहुत प्योर, बहुत इनोसेंट, यानी कि मैं बोलूँगी परफेक्ट लग रहा था, कुछ भी कमी नहीं थी। बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस, मतलब मेरे जहन में अब ये चीज़ बैठ गई है कि ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी होना चाहिए, यकीन करें। बस बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।